हेलो एवन, वेलकम बैक, वेलकम वेलकम बैक यशप्रिय मधुकर। सो आगे हमने प्रीवियस सेशन में ये जान लिया कि कैसे हम सीएसबी फाइल या एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग एलडब्ल्यूसी, राइट। और हमने उसमें कंडीशन भी लगा दिया था कि अगर हमारा डेटा ब्लैंक है या नल है तो उस केस में हमारा डेटा वहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, ना कि उसमें अनडिफाइंड या नल करके डेटा है। तो आप देख सकते हो इसमें जो डेटा ऐसे आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तो सही था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, जब एक्सेल डाउनलोड कर रहे थे तो उस केस में क्या हो रहा था, हमारा उसमें अनडिफाइंड नल भी आ रहा था। तो मैं एक एक्सेल डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कर चुके हैं, उसके बाद हम आगे आज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट। तो आप देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड एंड नल वगैरह नहीं आ रहा है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ही वो सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर आई बटन पे भी दे दूंगा मैं। तो आप वहाँ आई बटन पे जाके वहाँ पे भी आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम अब कंडीशन तो हमने लगा लिया, अब हमें सीखना है कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा फोन नंबर है या नेम है, मैं चाहता हूँ इसको कुछ कलर करने के लिए, जैसे मैं इसको एडिट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो यश नंबर है, ठीक है, मैं इसको रेड कलर कर दूं, या इसको मैं कुछ और कलर दे दूं, ठीक है। तो ये कलर, ये फॉर्मेटिंग, जैसे सारे जितनी भी मेरी आईडी है, जो आईडी आ रहा है उसके कलर मेरा आपका ग्रीन में हो जाए, और उसका बैकग्राउंड कलर येलो, या फिर कुछ और भी कलर दे सकते हो, आपको जो भी देना है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे, या फिर जो मेरा हेडर आ रहा है उसको कलर करके आप कैसे कर सकते हो, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे, आज हम वो सीखें, ठीक है। तो मैं इस एक्सेल को क्लोज करता हूँ, डोंट सेव। देन आते हैं अपने अब वीएस कोड में, और आज का सेशन में हम वो सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस सेशन में कर लिया था कंडीशनल कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था कि इफ कंडीशन लगा के हमने, अगर डेटा है तो उसमें डेटा प्रॉपर आएगा, अदरवाइज उस टेबल में ब्लैंक जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या ये कैसे और इनहेंस कर सकते हैं, तो जैसे मेरा नेम है, ठीक है, तो नेम में मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर मेरा नेम जो भी स्टार्ट हो रहा है ए से या एस से, उसको मैं चाहता हूँ कि उसे कोई एक पर्टिकुलर उसका हेडर उसका कलर दे सकते हैं। तो ए नेम करते हैं, पहले हम आते हैं अपने बेसिकली हेडर पे, कि हम क्या करते हैं अपने हेडर को पहले कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो हेडर पे कंडीशन लगाना है तो कैसे, देखो ये सिंपली है, अगर पूरे हेडर को जो कलर देना चाहे आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीएच जो आपने टैग लगाए हैं, टैग में जाके आपको स्टाइल टैग लिखना है इक्वल एंड डबल कोट्स के अंदर। अब आपको जो भी कलर देना है वो कलर दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कलर दिया, अब कलर के लिए आप कलर का कोड भी ले सकते हो, कलर का नेम दे सकते हो, एग्जैक्ट नगर को नाम याद है तो नेम दे सकते हो, अदरवाइज कलर का कोड याद है तो आप कलर का कोड दे सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर इसको सिर्फ रेड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस टैग में। तो मैं क्या करता हूँ, बस इसको सेव करता हूँ और डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ क्या मेरे जो हेडर है वो रेड कलर में आ रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि जो एक्सेल फाइल आप भेज रहे हो उसको, या एक्सेल फाइल जो आप डाउनलोड हो रहा है उसके पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में कलर में आना चाहिए। जैसे कभी कभी इसे आप परसेंटेज मान लो, एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि सर्टिफिकेट जब बनाया जाता है तो उसमें परसेंटेज क्या होता है कि अगर परसेंटेज किसी सब्जेक्ट में आपका लो है, लाइक 50 के नीचे है, तो उसमें थोड़ा रेड करके आए। अगर जिसमें आपका 50 के ऊपर प्लस 70 के बीच में है उसमें येलो करके आए, और जो 70 के अबव नंबर है उसमें ग्रीन आए। तो ऐसे कभी हमारे सेल्स फोर्स में भी रिक्वायरमेंट आता है, जब आप भी कोई कॉस्ट शीट बनाते हो, कोई इनवाइस बनाते हो, वहाँ तक कंडीशन के बेसिस पे वहाँ पे ऐसे चीजें हमें देना पड़ता है, तो इसलिए हम ये सीख रहे हैं आज। तो हमने वहाँ पे वो कर दिया, अब इससे को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके चेक करते हैं क्या हेडर में कुछ कलर आया है। अब इसको करते हैं, अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जो हेडर का कलर है ऑटोमेटिक चेंज हो गया और रेड कलर में आ रहा है, राइट। अब टीडी में टीआर में भी इसमें लगाना चाहते हैं, जो मेरा आईडी वाले रिकॉर्ड है, इस आईडी के रिकॉर्ड की जो बैकग्राउंड कलर है
वो आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मान लो जैसे कि यहाँ पे अब बैकग्राउंड कलर में आपको चाहते हो कि अब इसकी कलर जो सिर कलर है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है, तो आप ऐसे कलर ग्रीन देना चाहते हो तो ग्रीन दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, आता हूँ अपने वीएस कोड में अगेन, और जो सिर्फ मेरा इसमें है जहाँ जहाँ पे मेरा ये आ रहा है आईडी, आईडी में मैं क्या करता हूँ स्टाइल टैग लगा देता हूँ, और इसकी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ओके, देन अगर बैकग्राउंड कलर भी लगाना है तो आपको दे सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड ओके हाइफन कलर, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देने हैं वो दे सकते हो। तो मुझे मान लो ग्रीन पे अगर कुछ क्या सूट करता है, जैसे इसको मैंने ग्रीन कर दिया यहाँ पे इसकी कलर को, ठीक है, बट ग्राउंड कलर आप येलो करना चाहे तो येलो तो सही लगा, आप तो येलो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ येलो करके, ओके, देन इसको सेव करता हूँ और डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो ये मेरा जो कंडीशन था यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब हम दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं और देन डाउनलोड करते हैं इस फाइल, इसको क्लोज कर देते हैं ये मेरा। अब मैं इसको दूसरा डाउनलोड करता हूँ तो मेरा नए वाला जो डाउनलोड हुआ है अकाउंट डेटा टू, इसको देखते हैं और इसमें चेक करते हैं कि क्या वो कंडीशन फॉर्मेटिंग कुछ आया है इसमें। तो इसमें आप देखोगे अभी कुछ नहीं आया है, क्यों नहीं आया है वो चेक करते हैं आके हम इसमें। तो हमने यहाँ पे टीडी में लगाया है स्टाइल टैग, कलर हमने दिया है ग्रीन एंड बैकग्राउंड कलर येलो दिया। ओके, तो ये मेरा कलर होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ एक बार हम इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, यहाँ से आते हैं इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं, देन इसको हम डिप्लॉय दोबारा डाउनलोड करके इसको चेक करते हैं। तो मेरा थ्री वाला है नेक्स्ट, इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए मेरा आ रहा है राइट। तो क्या हुआ था, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था इसलिए ऐसा दिखा रहा था। देखिए अब कलर इसका ग्रीन आ रहा है या उसका बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है। अब इसमें नेम में कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो वो कैसे लगाते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है, एक क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं हम नेम में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेरा नेम है ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम पे लगाता हूँ इफ जो मेरा नेम है एसीसी नेम, ओके, स्टार्ट विद सिंगल क्वेश्चन में यस। तो ये मेथड होता है स्टार्ट विथ यस करके, स्ट्रिंग का मेथड होता है। तो अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाकर डायरेक्टली गूगल में डाल सकते हो स्टार्ट विथ मेथड इन जेएस, ठीक है, तो आपको जावास्क्रिप्ट में जो उसका मेथड होता है वो मिल जाएगा। तो आप W3S या कोई भी ओपन कर सकते हो, तो आपको उसके फॉर्मेटिंग कैसे यूज करना है, जैसे स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विथ, अब जो भी उसका स्टार्ट वो आपको यूज करना है यहाँ पे वो इंडेक्सिंग डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे फंक्शन दिया है स्टार ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स का दिया है, ओके, तो ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स के लिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया स्टार विद द GEE, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स पास करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा दिए स्टार्ट विथ यस, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट आपका क्या होता है केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर वही नेम देना है। अगर स्टार कैपिटल से स्टार्ट हो कैपिटल से दे सकते हो, अगर आपको स्मॉल से है तो स्मॉल, अगर इस देखिए इसमें स्मॉल सिर्फ यही वाला है तो आपको सिर्फ यही वाला का कलर चेंज होगा उसमें एक्सेल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल के लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे अगला कंडीशन दे देता हूँ एंड एंड एस एस सी स्टार्ट विथ, अगर कैपिटल एस भी है
इसमें तो दोनों का कलर जो होगा मेरा यहाँ पे उसकी जो कलर है यहाँ पे वो क्या करेगा, वो जो कलर हम देंगे यहाँ पे वो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कलर कैसे हम देंगे यहाँ पे, यहाँ पे सेम वही टैग लगाना है आपको, स्टाइल टैग, देन डबल कोट्स के अंदर आपको कलर जो भी पास करनी है आप कलर पास कर दे सकते हो। तो मैं जैसे कि मुझे ब्लू ए वाले सेल्स फोर्स की जो कलर होती है वो वाला देना है, तो यहाँ पे हम मैंने एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ कलर पिकर करके। आप उसको कलर पिकर करके आप उसको टाइप करोगे तो आपको दो कोड मिलता है इसमें, एक RGB मिलता है एक उसका कलर का कोड मिलता है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कलर कोड यूज करने के लिए आपको हैश लिखना पड़ता है, देन जो भी कोड है वहां पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपको कलर बैकग्राउंड कलर आपको यूज करना है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये दोबारा आ रहा है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी एक्सेल की बात करते हो, अगर उसमें आपने कलर दे दिया तो बैकग्राउंड कलर आपको जो भी देना है, जैसे इस पे व्हाइट अच्छा लगता है तो आप उसका जो बैकग्राउंड कलर है तो इसमें इसका कलर आप ये दे दो व्हाइट टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड कलर आप इसको जो सिक्स फोर्स की ब्लू वाली कलर है वो आप दे दो बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एल्स में आपको उसको पास कर देना है, अगर वो ये नहीं है तो आपको जो नॉर्मल है वही चलेगा, बिना फॉर्मेटिंग के आएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सेव एंड डिप्लॉय, तो देखते हैं कि हमारा इस जो स्टार्ट विथ मेथड है वो चल रहा है प्रॉपर या नहीं। अगर नहीं चलेगा तो हम उसको देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं सेल्स फोर्स में, इसको रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश एक बार। ठीक है, देन इसको रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा कैसा आ रहा है जो हमने अभी उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया। ठीक है, तो आप करते हैं इसको क्लिक डाउनलोड पे, तो हमारा कुछ एरर आई थिंक आ रहा है इसमें, जिसके कारण डाउनलोड पे बटन पे डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो कंसोल में आते हैं और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई इश्यू है, तो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं दिखा रहा है, बट ये डाउनलोड हमारा नहीं चल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, इस पे स्टार्ट विथ जो नेम है यहाँ पे नहीं चल रहा। ओके, तो अगर ये नहीं ऐसे चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, एक वर्क अराउंड काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक लेट करके वेरिएबल बना लेते हैं ACC नेम करके, और इसमें हम इसका नेम डाल देते हैं। ओके, तो इससे हमारा क्या होगा, ये हमारा स्ट्रिंग में आ जाएगा, राइट। फिर इस वेरिएबल को यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। ओके, चेकिंग करने के लिए कि स्टार्ट विथ मेथड स्ट्रिंग पे मेथड में काम करता है एक्चुअली ना, इसलिए तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लेट वेरिएबल बना के और यहाँ पे इसको ऐसे कंडीशन चेक करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम दोबारा से डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं कि क्या डेटा आ रहा है उसमें, डाउनलोड हो रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो हम दोबारा कुछ उसमें चेक करेंगे, उसको हटा के दोबारा हार्डकोडेड करेंगे, क्योंकि देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें अगर डेटा कुछ प्रॉपर सही नहीं होगा तो डाउनलोड बटन भी काम नहीं करेगा, कोई भी एरर आएगा तो वहां पे आपको इश्यू का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरा नहीं चल रहा है डाउनलोड मेरा, क्योंकि उस जो वहां पे हमने स्टार्ट मेथड लगाया है वहीं पे कुछ एरर दिखा रहा है, देखिए, तो इसलिए वो नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं स्टार्ट विथ को और डायरेक्टली उसमें नेम के कलर में दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मेथड अगर आप काम नहीं कर रहा है
आप वैसे इक्वल इक्वल टू लगा के चेक कर सकते हो सिर्फ एक पर्टिकुलर नेम में। ओके जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरा लगाता हूँ इफ कंडीशन लगा के, मैं वही लगाता हूँ बस वहाँ पे मैं ओके। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ और ACCM चेक करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं इक्वल इक्वल टू लगाता हूँ। अगर इक्वल इक्वल टू यस है और नॉट इक्वल इक्वल टू यस, स्टार्ट विथ यस नहीं जाम कर रहा, ठीक है तो मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ कि हमें स्टार्ट विथ मेथड यस आई थिंक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको वो जो हमने यूज किया था स्टाइल टैग नेम में, हम वही पे यहाँ पे यूज करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं मेथड का कलर का नाम, कलर हमने यहाँ पे यूज करने था वाइट, और बैकग्राउंड कलर हमें यूज करना था यहाँ पे जो हमने वहां से कलर कोड लिया था ये वाली। तो दोबारा एक कलर कोड ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और आते हैं यहाँ पे इसको हैश करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन अब इसको डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है जो जावास्क्रिप्ट मेथड काम करेगा यहाँ पे इस डॉग में, आप वही यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लूंगा उसमें, अभी हम उसको करेंगे, पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसको हटाने के बाद वो काम कर रहा है हमारा। तो देखिए हमारा डाउनलोड काम कर रहा है अब, ठीक है। तो एक बार कलर चेक कर लेते हैं, कलर आ रहा है क्या ऐसा, बाकी का फिर हम उसको अभी कंडीशन का लगा के चेक करते हैं वैसे। तो देखिए अभी मेरा ये कलर उसकी जो नेम है वो वाइट कलर आ रहा है कलर, अब बैकग्राउंड कलर हमने उसका जो अभी सेल्स फोर्स कलर लिया था हमने वो दे, ओके। तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है। अब जो जावास्क्रिप्ट का मेथड था वो हम चेक करते हैं दोबारा से उसको, ओके। तो चेक करते हैं मेथड जावास्क्रिप्ट का एक बार, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ओके, तो आई थिंक हमने मेथड ही गलत यूज किया था। जो हमारा टेक्स्ट मेथड होता है स्टार्ट विथ नहीं होता है, स्टार्ट्स विथ होता है, ठीक है। तो हम मेथड नेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने वीएस कोड में और दोबारा से यूज करते हैं सेम मेथड, ठीक है। यहाँ पे इफ देन स्टार्ट्स विथ, ये जो आपका अकाउंट का नेम है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देन डॉट। अब आपका मेथड जो भी नेम स्टार्ट हो रहा है किससे, कैपिटल एस से, देन और अगर स्मॉल एस से भी स्टार्ट हो रहा है तो भी वो मेरा जो कलर है उसका यहाँ पे यही वाला रहेगा जो हमने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं और इसको क्लोज, ठीक है। एल्स अगर ये नहीं है तो क्या का होगा, तो हम सेमी कलर रखते हैं उसका बैकग्राउंड कलर, बस चेंज कर देते हैं यहाँ पे व्हाइट रखते हैं, अब बैकग्राउंड कलर को रेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब सेव करते हैं इसको कंडीशन को लगा के, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा कैसा आता है बेसिकली जो डेटा है, ओके। तो इस पे हम हार्ड रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से चेक करते हैं कि मेरा अब एक्सेल जो है वो कैसे कलराइज उसका फॉर्मेटिंग में आ रहा है। तो हम डाउनलोड करते हैं, तो अभी हमारा अकाउंट 6 वाला है, ओपन करते हैं इसको, यस या। अब देखिए मेरा जो मैंने इसको कलर किया था ये वाला, अब देखिए जो एस से स्टार्ट हो रहा है उसकी कलर बैकग्राउंड ब्लू है, अदर देन सब चीज हमारा रेड और व्हाइट कलर है, और देखो जो स्मॉल एस से भी स्टार्ट हो रहा है वो भी मेरा क्या है उसका कलर जो हमने अभी दिया था, ओके। तो ऐसे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरा टाइप है, यहाँ पे टाइप में मेरा कस्टमर चैनल है, कस्टमर डायरेक्ट है, उस पे आप लगा सकते हो को ग्रीन होना चाहिए, जो भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी कलर लगाने, जो भी आपको अपने कंडीशन से बेसिस पे यूज करना है
आपको सिंपल यहाँ पे इफ कंडीशन लगाने हैं, ठीक है, ऐसे इफ कंडीशन लगाने हैं। इफ कंडीशन लगाने के बाद आपको बस अपना जो भी कलर देना है, जो भी फॉर्मेटिंग लगाना है, स्टाइल टैग इस टैग के अंदर यूज करना है, और जो भी आपको कलर देना है, आपको फॉन्ट साइज बोल्ड देना है कि मान जैसे ये मेरा यहाँ पे बोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे दे दो वेट फॉन्ट होता है, फॉन्ट वेट, ठीक है, हमने फॉन्ट वेट बोल्ड दे दिया। तो आप जो भी आपको देना है वो सारी चीजें इसी कंडीशन में देके आपको जो भी स्टाइल टैग इनलाइन सीएसएस लिख से उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने एक्सेल, ठीक है। तो ये ऐसे है, बाकी का आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हाँ मुझे ऐसा एक बनाने हैं एक्सेल डाउनलोड के लिए और यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं उसमें और वीडियो बना के आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी तो हमने बता दिया कि कैसे यूज करते हैं, उसमें आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो हमने यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर दिया है, तो आप यहाँ पे बोल्ड भी आ रहा है यस वाले, ठीक है। तो आपको जैसा भी जो भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उसमें आप कंडीशनर लगा सकते हो। हमने बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे यूज करते हैं कंडीशनर फॉर्मेटिंग, कैसे कंडीशन यूज करते हैं डेटा को शो करने के लिए, जब हमने यहाँ पे डेटा ये नहीं यूज किया था तो वहाँ पे अनडिफाइंड करके आता था, नल आता था, तो हमने उसको भी देखिए यहाँ पे हैंडल किया है, ओके। तो आप ऐसे हैंडल कर सकते हो, ऐसे अपने एक्सेल को और अच्छे से बना सकते हो क्लाइंट को शेयर करने के लिए। क्लाइंट डाउनलोड करेगा, कस्टमर डाउनलोड कर सकता है इसको और इसको अपना रिपोर्ट देख सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अगर ज्वाइन है तो वहां पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपको स्पेसिफिक कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी सिनारियो हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने जूनियर कॉलेज के साथ शेयर कर सकते हो एलडब्ल्यूसी लर्निंग के लिए। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नए क्वेश्चन में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।